पिछले क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसमें अंतिम एप्लीकेशन था कि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम लोग जस्ट फार्मूला देखे थे। अब हम लोग उसके आगे पहले उसको समझें कि सेल कहते किसको हैं और सेल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, सेल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालते हैं। कुछ बातें आपको ऐसी लगेंगी कि थोड़ा कंट्राडिक्टरी है, उसके लिए हड़बड़ाइएगा नहीं, हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो सेल इज अ डिवाइस, सेल इज अ डिवाइस व्हिच एक्ट्स एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अर्थात इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के कारण जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, दैट इज सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ ए स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के इन केमिकल एनर्जी को रिडॉक्स रिएक्शन, कैसा स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। कुछ लोग हड़बड़ाहट में कहते होंगे सेकेंडरी सेल, रुकिए वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहे हैं। रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, सेल वो डिवाइस है जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से प्राप्त केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है। अब इसके बाद हम लोग सेल का क्लासिफिकेशन देखें। सेल दो तरह का होता है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। सेल को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, प्राइमरी सेल या इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, प्राइमरी सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, और दूसरा सेकेंडरी सेल या स्टोरेज सेल, सेकेंडरी सेल या स्टोरेज सेल। प्राइमरी सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इज अ सेल इन विच सेल रिएक्शन इज नॉट रिवर्स्ड, जिसमें सेल रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में नहीं ले जाते हैं। मतलब सेल इज नॉट रिचार्जेबल या नॉट रिचार्ज्ड, सेल रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते हैं, नहीं ले जाते हैं, अर्थात सेल रिचार्जेबल नहीं है। स्पॉन्टेनियस
रिडॉक्स रिएक्शन एक्ट्स एज सेल रिएक्शन। तो केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। प्राइमरी सेल में क्या होता है, सेल रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में नहीं ले जाते हैं, मतलब सेल रिएक्शन उल्टा डायरेक्शन में नहीं जाता है या नहीं ले जाया जाता है। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन एक्ट्स एज सेल रिएक्शन। केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज चेंज इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन प्राइमरी सेल में एनोड को हम लोग निगेटिव साइन से और कैथोड को पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। एनोड को निगेटिव साइन से और कैथोड को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे गलवानिक सेल, जैसे लेकलेंचे सेल डैनियल सेल, या जो आपको ज्यादा कॉमन है ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल, ये सब एग्जाम्पल हुआ प्राइमरी सेल का। अब सेकेंडरी सेल को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, तो पहले आप प्राइमरी सेल के लिए नोट कर लें। प्राइमरी सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। इसमें सेल रिएक्शन रिवर्स नहीं होता है, सेल को रिचार्ज नहीं करते हैं। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन सेल रिएक्शन के रूप में काम करता है। केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग एनर्जी में, केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। स्पॉन्टेनियस दैट इज सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है, अर्थात सेल पोटेंशियल में बदलता है। अब सेकेंडरी सेल से पहले आइए साइन कन्वेंशन, एनोड निगेटिव कैथोड पॉजिटिव, जैसे गैल्वेनिक सेल, लेकलेंचे सेल, ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल। अब आइए हम लोग सेकेंडरी सेल को डिफाइन करें। सेकेंडरी सेल और स्टोरेज सेल इज अ सेल इन विच सेल रिएक्शन इज रिवर्स्ड। सेल इज रिचार्जेबल। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन एक्ट्स एज सेल रिएक्शन। केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रिसिटी दैट इज सेल पोटेंशियल। तब इसको डिफरेंस क्या हुआ, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी इज स्टोर्ड एज केमिकल एनर्जी बाय नॉन स्पॉन्टेनियस
नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन दैट इज ड्यूरिंग चार्जिंग। पहले आप देख चुके हैं कि सेल रिएक्शन इज रिवर्स्ड, सेल इज रिचार्जेबल ड्यूरिंग चार्जिंग। नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर करते हैं अंडर इनपुट ऑफ डायरेक्ट करंट पास करके हम लोग सेल रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन मिल जाते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा उसमें इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं स्टोरेज सेल। साइन कन्वेंशन, एनोड को पॉजिटिव से और कैथोड को निगेटिव से, जैसे घर के इन्वर्टर के साथ इस्तेमाल होने वाला लेड स्टोरेज सेल, स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इसलिए लेड स्टोरेज। सेकेंडरी सेल को स्टोरेज सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि चार्जिंग के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को पहले जमा करते हैं और केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज चेंज इनटू इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। तो फाइनली हम लोग सेल का यूज किसके चलते कर रहे हैं? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा। केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज चेंज इनटू इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अब एनोड को पॉजिटिव साइन से और कैथोड को निगेटिव साइन से लिखते हैं इसके लिए, जैसे लेड स्टोरेज सेल, जैसे निकल कैडमियम सेल, एडिसन सेल, इत्यादि। तो हम लोग प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में अंतर समझ गए, साइन कन्वेंशन का अंतर, सेल रिएक्शन का अंतर, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का काम हुआ कैसे करता है, किसके द्वारा करता है? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा। सेकेंडरी सेल में पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर करते हैं बाय नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन ड्यूरिंग चार्जिंग, और फिर उससे हम लोग स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के रूप में प्राप्त करते हैं बाय स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। साइन कन्वेंशन में कोई बहुत कंफ्यूजन का बात नहीं है। जो भी इंग्लैंड शासित देश थे उसमें स्टीयरिंग किधर होता है? राइट हैंड में, और फ्रांस शासित देशों में लेफ्ट हैंड में। हम लोग क्या कहते हैं? कीप लेफ्ट। यहाँ क्या होता है? कीप राइट। रोड पर जैसे हम लोग कहते हैं बाएं चलो, वहाँ क्या कहता है? दाएं चलो। अब ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट के समय में कैसे लंबा युद्ध हुआ जिससे वहाँ के जनता एक दूसरे से घृणा करने लगी, इसको हम लोग बाद में समझेंगे और देखेंगे, या ये हिस्ट्री का विषय है, इससे हम लोगों को कोई खास मतलब
यहाँ नहीं है। दिस इज ए कन्वेंशन कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में साइन कन्वेंशन है वो एक दूसरे का विपरीत है। अब आइए हम लोग सबसे पहले गलवानिक सेल में। गलवानिक सेल सबसे पहला प्राइमरी सेल जो डिजाइन किया गया था लुईगी गलवानी के द्वारा, पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पहला प्राइमरी सेल, क्योंकि सेल का जो हिस्ट्री है वो शुरू हुआ प्राइमरी सेल से और प्राइमरी सेल का हिस्ट्री शुरू हुआ गलवानिक सेल से। क्यों कहते हैं गलवानिक सेल? क्योंकि इसको डिजाइन किया गया था लुईगी गलवानी के द्वारा। पहले हम लोग इसको डिस्कस करें कि गलवानिक सेल क्या है, किस तरह से गलवानिक सेल बनाया गया था। गलवानिक सेल फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या आपके स्टाइल में कहेंगे तो प्राइमरी सेल, डिजाइंड बाय लुईगी गलवानी। इसका डिजाइनिंग कौन किया? लुईगी गलवानी ने। लुईगी गलवानी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट सिंगल इलेक्ट्रोड्स, दो अलग अलग सिंगल इलेक्ट्रोड्स का कॉम्बिनेशन है। इसको जोड़ा गया था किससे? कंबाइंड बाय ए सॉल्ट ब्रिज। अभी हम लोग जो सॉल्ट ब्रिज का डिस्क्रिप्शन देखेंगे वो गलवानिक सेल के सॉल्ट ब्रिज को, जैसे समय के साथ साथ डिजाइन बदला किसका? हर चीज का। टीवी का डिजाइन बदला, फोन्स का डिजाइन बदला, चेयर्स का डिजाइन बदला, इवन आप घर के यूज में देखें डोर्स का डिजाइन बदला। पुराने घरों में वुडन डोर्स होते थे, अब वुडन डोर्स होते हैं लेकिन प्लाई से बने होते हैं। अब घरों में चेयर्स होते हैं लेकिन प्लास्टिक चेयर्स होते हैं। अब घरों में टीवी होते हैं लेकिन वॉल माउंटेड टीवी होते हैं। अब लोगों के पास फोन सेट्स पॉकेट में होते हैं न कि टेबल पर। तो सॉल्ट ब्रिज का भी डिजाइन समय के साथ साथ बदला। खैर, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो डिफरेंट सिंगल इलेक्ट्रोड्स का कॉम्बिनेशन था गलवानिक सेल। और शुरुआत में जो पहला गलवानिक सेल बना था वो जिंक और कॉपर के सिंगल इलेक्ट्रोड से। एक वेसल में, कांच के बने वेसल समझिए, बीकर में जिंक का सॉल्ट सॉल्यूशन लिया गया और दूसरे में कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन। जिंक के सॉल्ट सॉल्यूशन में जिंक रॉड रखा गया जबकि कॉपर के सॉल्ट सॉल्यूशन में कॉपर रॉड रखा गया। ये मान लीजिए कॉपर, ये CuSO4, ये जिंक और सॉल्ट कौन सा है? जिंक सल्फेट। इस दोनों को एक
आयनिक मीडियम से जोड़ा गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज। डिफिनेशन के हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, सिंगल इलेक्ट्रोड्स, और दो सिंगल इलेक्ट्रोड से एक सेल का निर्माण हुआ, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हाफ सेल्स। सिंगल इलेक्ट्रोड्स को हाफ सेल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि दो से एक सेल बना, तो एक से 1/2 सेल। अब हम लोग देखें कि सॉल्ट ब्रिज शुरुआत में कैसे डिजाइन किया गया था। तो सॉल्ट ब्रिज का कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ए यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, कांच का बना यू शेप का ट्यूब लिया गया, इसमें क्या भरा गया, फिल्ड विथ ए सॉल्ट सॉल्यूशन, एक सॉल्ट सॉल्यूशन से भरा गया। कैसा सॉल्ट, हैविंग सॉल्ट विथ इक्वल और नियरली इक्वल रेट ऑफ मूवमेंट, जिसका रेट ऑफ मूवमेंट किसके लिए, फॉर इट्स केटायन एंड एनायन, इसके केटायन और एनायन के रेट ऑफ मूवमेंट अंडर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, इक्वल या लगभग इक्वल। जैसे पोटासियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, पोटासियम 2881 पोटासियम, पोटासियम प्लस 288, क्लोरीन 287 क्लोराइड 288, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम हो गया, तो ऑलमोस्ट साइज, ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट साइज बराबर होगा, इसलिए अंडर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस रेट ऑफ मूवमेंट बराबर या लगभग बराबर होगा। अब इस सॉल्ट सॉल्यूशन को थिक बनाया गया बाय एडिंग अगर अगर पाउडर, अगर अगर एक प्लांट का नाम है, जैसे आप दूध में कस्टर्ड पाउडर मिलाते हैं, उसी तरह से एक्वस मीडियम में अगर अगर पाउडर मिलाने से वह गाढ़ा पेस्ट जैसा हो जाता है। The salt solution used in salt bridge is made thick like paste के जैसा गाढ़ा बनाया जाता है, by adding अगर अगर पाउडर, उसमें अगर अगर पाउडर मिला करके। अब हम लोग देखें functions of salt bridge, salt bridge का काम क्या है। आप देखिए,
जब गांव की कनेक्टिविटी शहरों से कम थी तो माइग्रेशन ऑफ लेबर बड़े शहरों की ओर अधिक था। क्यों? मान ले सेपरेशन है, अब ये रिवर हो या ऐसा दुर्गम जगह कि रास्ते प्रॉपर नहीं हो। अब टाउनशिप में और विलेजेस के वर्किंग पैटर्न में अंतर होता है। टाउनशिप में ज्यादा कंज्यूमर रहते हैं, इंडस्ट्रियल टाउनशिप में प्रोड्यूसर्स भी रहते हैं, लेकिन वो कैसा प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं रहते हैं। वो क्या बनाते हैं? स्टील बनाते हैं, टीवी बनाते हैं, मोबाइल बनाते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर कहने का मतलब वैसे प्रोड्यूसर्स जो कि हमारे दैनिक जीवन के लिए, प्रत्येक दिन के लिए अनिवार्य आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड एनिमल हस्बेंड्री प्रोडक्ट्स। अब यहाँ रिवर है या कहे कि दोनों के बीच सेपरेशन है, तो यहाँ क्या होगा? पॉवर्टी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्ट हो रहा है, फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एनिमल हस्बेंड्री प्रोडक्ट्स, वो प्रॉपरली मार्केट में नहीं पहुँच रहा है। और यहाँ क्या होगा? स्कैर्सिटी। यहाँ सही क्वालिटी के वेजिटेबल्स या एनिमल हस्बेंड्री प्रोडक्ट्स या फूड ग्रेन्स समय पर नहीं मिलेगा। तो विलेजेस में क्या होगा? प्राइमरी प्रोड्यूसर की हालात खराब होंगे, इकोनॉमिकल कंडीशन खराब होगा। और टाउनशिप में क्या होगा? वहाँ भी हालत खराब होगा, क्योंकि उनको फ्रेश एडिबल आइटम्स नहीं मिल रहे हैं। अब अगर इस पर ब्रिज बना दिया जाए तो इससे प्रॉफिट किसको होगा? मान लीजिए इस पर हम लोगों ने ब्रिज बना दिया, अब क्या होगा कि यहाँ जो प्रोड्यूसर हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को सही समय से शहर तक ला सकेंगे। तो यहाँ मिलेगा हेल्दी फूड आइटम्स। अब विलेजेस को क्या मिलेगा? बेटर मार्केट, ज्यादा अच्छा मार्केट। तो इससे क्या होगा? बेटर इनकम, बेटर इनकम। इससे क्या आएगा? प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी। अभी आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आप अपने गार्जियन से पूछिए कि आज से 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल पूर्व महंगाई कम थी कि ज़्यादा? बहुत महंगाई बहुत कम थी, लेकिन गांव में मकान पक्के कितने थे, गांव में टू व्हीलर्स कितने थे। 15 वर्ष पहले टाउन में जितने टू व्हीलर्स होते थे, अब उतना या उससे ज़्यादा गांव में हो गए। 15 वर्ष पहले गांव में जितना टू व्हीलर्स थे उससे ज़्यादा अब फोर व्हीलर्स हो गए। जितना कच्चा मकान था 15 वर्ष पहले, उससे ज़्यादा अब पक्का मकान बन गया। महंगाई बढ़ने के बावजूद भी ऐसा कैसे हुआ? जो विलेजेस के प्रोडक्ट्स हैं वो टाउनशिप में आए, और टाउनशिप के जो एमिनिटीज हैं वो विलेजर्स के द्वारा यूज हुआ। बस सिमिलर बात, जब हम लोग दो डिफरेंट सिंगल इलेक्ट्रोड्स को कंडक्टर वायर से जोड़ते हैं तो उसके बीच इलेक्ट्रॉनों का फ्लो तो कंडक्टर वायर से हो जाता है,
लेकिन आयंस का फ्लो नहीं हो पाता है। तो फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो हम व्हेन टू डिफरेंट सिंगल इलेक्ट्रोड्स, डिफरेंट सिंगल इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय, इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय कंडक्टर वायर, कंडक्टर वायर के माध्यम से जोड़ देते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन्स कहें, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर बिटवीन देम बट नॉट फ्लो ऑफ आयंस, आयंस का फ्लो वायर से, कंडक्टर वायर से नहीं हो पाता है। अब इससे क्या होगा, जो डाइलेक्ट्रिक सिस्टम था, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल था, वो डिस्टर्ब होगा। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, सॉल्ट ब्रिज का पहला काम प्रोवाइड्स मीडियम फॉर ट्रांसफर ऑफ आयंस, आयनों के ट्रांसफर के लिए बिटवीन सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस एट टू सिंगल इलेक्ट्रोड्स, दोनों सिंगल इलेक्ट्रोड्स के सॉल्यूशन के बीच आयंस के ट्रांसफर के लिए माध्यम प्रदान करता है। इससे क्या करता है, मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, विद्युतीय उदासीनता को बरकरार रखता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक सिस्टम को बरकरार रखता है। टू सिंगल इलेक्ट्रोड्स, दोनों सिंगल इलेक्ट्रोड पर फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बरकरार रखता है। इससे क्या होता है, मेंटेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, लगभग कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल्स ऑफ द टू सिंगल इलेक्ट्रोड्स, दोनों सिंगल इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल को ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखता है फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक। इससे क्या होता है, कैथोड और एनोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल। तो इस तरह से क्या होगा, मेंटेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट ईएमएफ, मेंटेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, कांस्टेंट ईएमएफ ऑफ सेल, सेल का ईएमएफ को लंबे समय तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखता है। इससे क्या फायदा होता है, कि सेल लंबे समय तक कार्यशील हो सकता है, प्रोवाइड्स लॉन्गर वर्किंग टाइम, लॉन्गर वर्किंग टाइम, ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा लंबे समय तक फॉर सेल। इस तरह से सेल ज़्यादा दिनों तक इफेक्टिवली काम करने में सक्षम होता है। अब इसके अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सेल डायग्राम या सेल नोटेशन, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, सेल रिएक्शन क्या है, एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, किस तरह से हम लोग उसको शॉर्ट हैंड नोटेशन से
रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तब तक आप यहाँ तक के थ्योरी और जो डिस्कशन हुआ है क्लासेस से उसको आप रिवाइज कर लें, री रिवाइज कर लें।